मैंने देखा कि यहाँ के गांव गांव में मेरे पिताजी मेरे परिवार के प्रति कितनी श्रद्धा है। रात रात तक हम यहाँ के रास्तों से गुजरते थे तो लालटेन लेकर बुजुर्ग लोग हमारा इंतजार करते थे, कभी कभी मेरा चेहरा देख के रो पड़ते थे कि राजीव भैया की बिटिया आई है। मैं समझी कि जनता की श्रद्धा का क्या मतलब होता है, कि उसका आदर करना चाहिए। मैंने देखा कि किस तरह से मेरी माताजी जब आई कैंप में जाकर बच्चों की आंखों में बूंद डालती थी, दवाई डालती थी, तो किस तरह से उनकी माताएं खुश होती थी। बेवाओं को देखा जब हम लोग कैंप लगाते थे, कितनी गरीबी में रहते थे और हम पेंशन देते थे, उस समय पेंशन मिलता था, बेवा पेंशन कहते थे उसको। मैं समझी कि कितना संघर्ष था आपके जीवन में और कैसा रिश्ता था आपके बीच मेरे परिवार के बीच, कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था, सत्य का रिश्ता था। फिर भाई यहां आए, उनका भी चुनाव लड़वाया, सांसद बने, आपके आपके लिए खूब काम किए, जहां जहां विकास ला पाए विकास लाए। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहां अमेठी में आए, ये लोग क्या समझेंगे, स्मृति जी क्या समझेंगी, ये तो यहां पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आई, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई। वो कैसे समझेंगी ये रिश्ता, इन्होंने झूठ फैलाए कि हम आपकी जमीन हड़पने आए थे, कि जिन महिलाओं के जिस समूह में आप थी, आपको याद है जो परियोजना थी, कि वो परियोजना ही हमने इसलिए बनाई कि हम आपकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, कि हम लूट रहे थे आपको, कि हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, कि हमारे दिल में सिर्फ परिवारवाद की भावनाएं थी, सिर्फ सत्ता चाहते थे हम, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं थी। और कुछ ऐसा हुआ कि इन बातों से आप थोड़ा सा बहक गए, कुछ लोग बहके कुछ लोग दृढ़ रहे, जो भी हुआ राहुल जी वो चुनाव हारे और एक पुराना रिश्ता जो आपके बीच हमारे परिवार के बीच था वो थोड़े समय के लिए थम गया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता।